सुबह की तरह इस सुबह का आगाज भी खूबसूरत परिंदों की खूबसूरत चक्की हासिल की। घर घर रोशनी लगी, हर शख्स सूरज की पहली किरण के साथ नई उम्मीद बांध कर उड़ने लगा। ऐसे में एक छोटे से खूबसूरत से घर से माँ की मीठी सी आवाज़ है, बेटा उस ना स्कूल से देर हो रही है। बेटा बोला, माँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप गर्म बिस्तर से उठाती है। माँ बोली, बेटा बड़ा आदमी बनने के लिए गर्म बिस्तर छोड़ना पड़ता है ना। बेटा बोला, माँ कब बनूंगा मैं बड़ा आदमी। माँ बोली, बेटा बहुत जल्द, बल्कि आज अभी अगर आप ये गर्म बिस्तर छोड़ दो तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। बेटा माँ की तरफ देख कर हंस कर बोला, माँ अच्छा बहाना है गर्म बिस्तर से उठाने का। वो किचन की तरफ जा रही थी और बोल रही, आज तुम्हारे लंच बॉक्स में तुम्हारे पसंद का लंच रखा है, और हाँ वो नई वाली शर्ट पहन कर जाना आज। बेटा हंस कर बोला, हाँ हाँ माँ वो नई वाली शर्ट पहन कर जाऊंगा आज, आज बड़ा आदमी जो बनना है। माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को बड़े प्यार से नाश्ता कराया और ये सोच कर रुखसत किया कि अपने बेटे को बड़े ही महफूज जगह यानी स्कूल भेज रही। प्यारे बेटे को जाने के बाद माँ ने बड़े ही इत्मीनान से घर का काम शुरू किया। दोस्तों जब माँ ने झाड़ू को लगा दिया तो थोड़ी देर टीवी देखने लगी। दोस्तों इस दौरान टीवी में एक खबर चली। दोस्तों जब माँ ने वो खबर सुनी तो माँ रोने लगी, न सर पे दुपट्टा न पैर में जूती, और घर से निकल कर भागने लगी। दोस्तों माँ का वो एक एक कदम जमीन पर बहुत पड़ा, ठोकर खा कर गिर थी तो जमीन पटने लगती, माँ रहती आसमान गिरने लगता। दोस्तों वहाँ पहुँच कर माँ ने वो देखा जो कोई भी माँ कभी भी देखना नहीं चाहती। बस दोस्तों माँ का वो दर्द बयान करना मेरे अरमानों का काम है। बस आज का दिन उन अजीब माओ के नाम करना चाहता हूँ और उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि माँ कहीं भी रहेगी आपके बेटा, मैं हूँ आपका बेटा, वो है आपका बेटा, ये है आपका बेटा, हम सब है आपके बेटे। माँ तू बनाना चाहती थी ना अपने बेटे को बड़ा आदमी, मैं बनूंगा बड़ा आदमी, हम सब बनेंगे वो जो तू बनाना चाहती थी माँ। बस तू रो यार। तालियां, तालियां।